तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप पिछले ब्लॉग में देखा अभी हम विश्वविद्यालय से आए और आके सो गए थे। हमारा प्लान था कि एक ही ब्लॉग में सारा कुछ कवर हो जाए, पर ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया था और अभी मैं चाह नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा लंबे ब्लॉग बनाऊँ, इसलिए मैं 8 मिनट के ही एक ब्लॉग को रख रहा हूँ। तो वो हो गया था, उसको मैंने एडिट कर दिया है, अपलोड भी कर दिया, हो सकता है आपने देख भी लिया हो अब तक, ये ब्लॉग आएगा जब तक। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा जी, उसी ब्लॉग में जाना था पर कोई नहीं, हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो हो गया है एडिट और अभी गंगा जी जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए। रूम पे हम सोए थे काफ़ी देर तक, अभी 4 बजने वाले हैं और अभी शांति कुंज के हम ये गार्डन में बैठे हैं। यहाँ पीछे कैंटीन है तो अभी कैंटीन से कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 9 दिन था, 9 दिन तक कैंटीन से, मतलब कैंटीन से क्या कहीं कभी एक ही टाइम भोजन होता था, तो यहाँ पर भोजनालय में एक कैंटीन में हालांकि 2 टाइम मिलता था, जिसको खाना है तो वो खा सकता था, पर हमारा अनुष्ठान चल रहा था तो एक ही टाइम हम लोग खाते थे। तो आज से, आज पूर्णाहुति हुई है तो आज कुछ कैंटीन में खा लेते हैं हल्का सा, क्योंकि भूख सी लग रही है, क्योंकि वहाँ इतनी दूर चलना भी हो जाएगा और वापस आना फिर थोड़ा सा थकान भी हो जाएगी, भूख लगने के चांसेस हैं। अभी तक कोई भूख लगी, हालांकि इसने सो ली थी अभी कुछ देर तक, मैं भी सोने वाला था पर वो रूम में और बाकी लोग रहते, इतना शोर करते भाई, इतना शोर करते क्या बताऊँ, रात में बड़े मुश्किल से सो पाते हैं हम लोग, 10-11 बजे न खुद सोते ना दूसरे को सोने देते। और एक और बात है कि अब उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो मेरा मेन चैनल, उसके सब्सक्राइबर लोग हैं, वो जानते हैं भाई कि हम आपके उसको फॉलो करते हैं, बड़ी दिक्कत है उनको। हालांकि प्यार से समझा देते हैं कि दीदी हम सो रहे हैं करके, हम थोड़ा धीर से बात करिए, तो बोलते हैं चुप हो जा डिस्टर्ब हो रहा, मगर कहाँ सुनने वाले हैं। ठीक है, खैर 2-3 दिन की बात और है, हम तो ये सोच रहे हैं कि दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए, वो भैया जो थे उनसे बात करने का मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं और शिफ्ट हो जाए, पर ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी जाते हैं, कैंटीन पीछे है तो कुछ खा लेते हैं और फिर जाते हैं परमार्थ घाट जाना है हमको। लाइन देखो कितनी लंबी है पहले खाने के लिए, तो बहुत कुछ है पर यहाँ पे पहले पर्ची कटाना पड़ता, लाइन देखो बहुत लंबी लगी है, इस लाइन पे लगना पड़ेगा, फिर पर्ची कटेगी उसके बाद हमें यहाँ से सामान मिलेगा। तो हमने यहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया है अभी, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ का पहले प्लान कैंसिल कर दिया। हम जा रहे हैं पुरानी वाली कैंटीन, ये नई कैंटीन है श्रीरामपुरम की, हम जाते हैं पुरानी कैंटीन वहीं से खाएँगे और 3 नंबर गेट से वहीं से निकल जाएँगे। तो अभी हम पुरानी वाली कैंटीन आ गए हैं, यहाँ देखते हैं कितनी क्या भीड़ है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने कुछ नहीं लिया, अब यहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेने में, हमने लिए आलू पकौड़ा, यहाँ पे 7 रुपए का एक मिलता है, 14 रुपए के 2, और यहाँ इसके साथ चटनी है, इसको खा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं गंगा जी। तो अभी हमने खा लिया है, क्या मस्त लगता है, क्या ही बताऊँ, ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि आपको मार्केट से जो साइज है वो बड़ा भी मिल जाता है, सेम रेट रहता है, मार्केट में 10 रुपये साइज मिलता है, यहाँ पे 7 रुपये का था और एकदम गरम परफेक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्योर रहता है, साफ़ सफाई का सब चीज़ का बहुत ध्यान रखता है, बहुत बढ़िया लगा हमें। इस बार तो मैंने पहली बार खाया हूँ, क्योंकि आए थे उसके बाद शिविर चालू हो गया, तो कैंटीन में एंट्री नहीं हुई थी, 9 दिन बाद ये पहली एंट्री हुई है, मतलब आते थे प्रज्ञा के लिए, सब खाने पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं आते थे, तो अभी खा लिए हैं और अब चलते हैं। सो हम वहाँ से आ गए हैं और यहाँ शांति कुंज गेट नंबर 1 पे हैं अभी, और यहाँ से सीधे जाना है परमार्थ घाट के लिए, काफ़ी दूर है, मतलब 1 किलोमीटर के समथिंग है, तो पैदल पैदल आराम से पहुंच जाएंगे, शाम का टाइम है, 6:15 बज गए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं सप्तऋषि आश्रम क्षेत्र, ये पीछे है, इसके उस तरफ गंगा जी बहती हैं, पर हम यहाँ से आगे जा रहे हैं परमार्थ घाट, यहाँ ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है, उसके थोड़ा सा आगे हमको जाना है, वहाँ पर गंगा जी के दर्शन करते हैं और आप सभी को कराते हैं। हम थोड़ी दूरी चले और हमें गंगा जी के दर्शन हो गए हैं, आगे जाते हैं, अब यहाँ मिलते हैं, थोड़ा सा दूर और बचे हैं बस। गए हैं पीछे, जूते वगैरह निकाल दिए हैं और देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ का सीन, ये देखो तो यहाँ पे पीछे बिछाई वगैरह बिछी हुई है, शायद आरती की तैयारी, क्योंकि 5:30 बजे आरती की आरती होती है और अभी यहाँ 4:30 बज गए हैं, तो ये सब तैयारी चल रही है शायद, मुझे ऐसा लगता है, हाँ आरती की तैयारी है। तो यहाँ पे तो हम वहाँ जाके थोड़ा बैठते हैं, क्यों हाँ इतना नहाते
अपने कवि को आएंगे अभी ऊपर कल परसों। बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ आके कविता को पछतावा हो रहा है कि शायद कपड़े ले आते यहाँ नहा लेते बहुत अच्छा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने पहले ही बोला था कि चलो नहा लेते, पर यहाँ नहाना कर रहे रूम में बहुत ज़्यादा ठंडक थी तो हाँ मन नहीं हो रहा था नहाने का। अब यहाँ आके लग रहा है कि कपड़े ले आना था शायद। यहाँ जो फील हो रहा है ना वो क्या बताओ, हम तो यहाँ पैर डाल के खड़े हैं मस्त, पानी बड़ा साफ पानी एकदम सख्त। ये देखो मछलियाँ कितनी बड़ी, पता नहीं कैमरे में सही से दिख रही है कि नहीं, पर देखो साइज देखो इनका। वहाँ पीछे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, हमने कुछ लाया नहीं कि हम नहा सकें, तो खैर कोई बात नहीं, बाद में कभी आएंगे हर की पौड़ी जाएंगे तो उस टाइम ना आएंगे। तो अभी हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि गंगा जी की आरती शायद 5:30 बजे स्टार्ट होना सा। यहाँ एक नंबर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम तो काफ़ी देर के आए हुए हैं पर देख ही रहे थे सब लोग नहा, बाल थोड़े से गीले हो गए मेरे क्योंकि नहाने का अवसर नहीं मिला। यहाँ देखो पीछे गंगा धर्म कुटीर है और यहाँ पर धर्म प्रज्ञेश्वर मंदिर है, और पीछे यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्चर दिया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ो। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था तो हम वहाँ से वापस आ गए, हमें लगा 5:30 बजे आरती होगी पर 6:30 बज चुके हैं, अभी तक आरती स्टार्ट नहीं हुई। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं क्योंकि पछताना तो हमें बहुत पड़ा, क्योंकि हम कपड़े लेकर आने की सोच रहे थे आके नहाएंगे करके, पर सब लोग नहा रहे थे और हम देखते रहे। अब मैंने पहले ही प्लान किया था कि हम लोग आएंगे कपड़े ले आएंगे, भले ही वापस ले जा लेंगे, नहीं हुआ मन तो, पर लेके भी नहीं आए और यहाँ आके पछताए बड़े। चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।